कल ही डॉक्टर के पास मिलकर के आए हैं और उन्होंने पूरा फिजिकल चेक किया और बोला कि आपके बच्चेदानी का मुंह खुलने लग रहा है, तो आने वाले मतलब और मे बी इसी वीक हो सकती है डिलीवरी, कभी भी लेबर पेन स्टार्ट हो सकता है। सो मेरा बहुत मन था कि मेरी डिलीवरी से पहले मेरी जो 9 मंथ प्रेगनेंसी रूटीन है वो आपके साथ शेयर करूं। मुझे बहुत सारे कॉमेंट्स आए थे, मैं कर ही नहीं पा रही थी, बहुत बिजी चल रही थी, बट नहीं अभी तो डिलीवरी से पहले ये वीडियो मुझे फिनिश करनी ही है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरी 9 मंथ प्रेगनेंसी रूटीन के बारे में। सो एक मिनट से बैठ करके मैं आपको बताऊंगी कि मैं मॉर्निंग टिल इवनिंग क्या क्या करती हूँ। बहुत तामझाम तो नहीं, बहुत सिंपल और बेसिक सा रूटीन है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। आप देख रहे हो बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। मेरी प्रेगनेंसी जर्नी और बर्थ व्लॉग देखने के लिए फॉलो कीजिए मेरा व्लॉग चैनल विच इज मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस, जिसका लिंक दे रखा है मैंने। दैट्स इट, अब चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सुबह उठ करके सबसे पहले मुझे खानी होती है थायराइड की मेडिसिन। सो मैंने इस ड्रॉअर में रखा हुआ है, तो सबसे पहले मैं ड्रॉअर खोलती हूँ, थायराइड मेडिसिन अपनी खा लेती हूँ और उसके बाद मैं फिर सो जाती हूँ, क्योंकि थायराइड मेडिसिन खाने के बाद आपको लगभग 1 घंटा कुछ नहीं खाना होता है। सो अगर मैं जगी रही तो मुझे भूख लग जाएगी, इसीलिए मैं थोड़ा 1 घंटा पहले उठ के दवाई खा के फिर सो जाती हूँ, एंड देन अगेन 1 घंटा बाद में उठती हूँ और उसके बाद जी भर के पानी पीती हूँ, क्योंकि पूरी रात मुझे बहुत प्यास लग रही होती है, पर मैं सोने से पहले कम पानी पीती हूँ, नहीं तो बार वॉशरूम के लिए जाना पड़ता है। प्रेगनेंसी में आप जितना पानी पीते हो उससे डबल आपको वॉशरूम जाने का मन करता है, क्योंकि बस यही होता है प्रेगनेंसी में। सो मैं अपने टेबल के बगल में, मतलब ये मेरा साइड टेबल है, मेरा बेडरूम है, यहाँ मैं सोती हूँ और इसके बगल में ही मेरा साइड टेबल है और यहाँ पे मैं पानी भर करके रखती हूँ। एक मिल्टन का बड़ा सा बॉटल भी मैंने वहां रखा हुआ है। तो पानी खत्म होता है, भरती हूँ, पीती हूँ, वॉशरूम जाती हूँ। पूरी प्रेगनेंसी में मुझे लगता है फर्स्ट और थर्ड ट्राइमेस्टर में मैंने यही किया है, सेकंड ट्राइमेस्टर में वॉशरूम की उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। पियो वॉशरूम, दैट्स इट। और हम उठते ही मैं इस कैलेंडर को जरूर देखती रहती हूँ, अब कितने दिन रह गए, दिन गिनती रहती हूँ बैठ करके, कितने दिन रह गए बेबी के आने में, बहुत एक्साइटमेंट है। सो नेक्स्ट मैं सबसे पहले फ्रेश हो जाती हूँ, मतलब अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना, इसके बारे में ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बना चुकी है तो वो डिटेल में नहीं बताऊंगी। सो पर्सनल हाइजीन मेंटेन करती हूँ, फ्रेश होती हूँ, चली जाती हूँ नहाने के लिए। अब जब मैं नहाती हूँ तब मैं अपना पूरा स्किन केयर वगैरह कर लेती हूँ। अगर मुझे लगता है मुझे DIY फेस वॉश यूज करना है या रेडीमेड कभी यूज कर लेती हूँ या DIY स्क्रब यूज करती हूँ, मैं कभी उबटन यूज करती हूँ, बहुत सारे रेमेडीज मैं भी नेचुरल पे शेयर करती रहती हूँ, तो वो सब मैं अपने स्किन केयर के लिए करती रहती हूँ, तो वो आप मेरी बहुत सारी वीडियोज में देख सकते हो DIY। देन पर्सनल हाइजीन बात करें, एक क्वेश्चन बहुत आता है कि प्रेगनेंसी के दौरान आप अपना हेयर मूव कैसे कर रहे हो। इंटीमेट बॉडी पार्ट्स की बात की जाए तो वहां पे आप चाहो तो शेव कर सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ स्पेशली इन प्रेगनेंसी कि हेयर रिमूवल क्रीम्स यूज कर लो। देखो हेयर रिमूवल क्रीम यूज करने के लिए मैं मना करती हूँ वो वाले जो आप अपनी बॉडी पे लगा रहे हो, हेयर रिमूवल क्रीम आपके लेग्स और हैंड्स के लिए आते हैं, वो आप इंटीमेट बॉडी पार्ट पे नहीं लगा सकते हो, पर जो प्रिसाइज पर्टिकुलरली बने हुए हैं आपके इंटीमेट बॉडी पार्ट के लिए वो वाला हेयर रिमूवल क्रीम आप इंटीमेट बॉडी पार्ट पे लगाइए, उससे आपकी स्किन काली नहीं पड़ती है, फटाफट से हेयर रिमूव हो जाते हैं और काफी इजी प्रोसेस है और अफोर्डेबल भी आपको मिल जाएगा। मैंने अपनी एक वीडियो में भी आपको रेकमेंड किया था कि आप यूज करो नम्या हेयर रिमूवल क्रीम फॉर इंटीमेट बॉडी पार्ट्स। तो ये कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आता है, आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि इस हेयर रिमूवल क्रीम के साथ एक वैक्स सीरम भी आता है, इंटीमेट बॉडी पार्ट पे आप बेशक इसको यूज कर सकते हो। सो ये नम्या हेयर रिमूवल क्रीम यूज करने से आपको रेजर से होने वाले कट्स बर्न्स का खतरा नहीं रहता है, और बाकी की जो क्रीम्स होती हैं जो हार्श होती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग और गंदी स्मेल आती है, उसका भी डर नहीं रहता है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी गंदी स्मेल नहीं है। इफेक्टिवली आपके इंटीमेट बॉडी पार्ट्स के हेयर को 5 मिनट के अंदर ये रिमूव कर देता है, और सबसे अच्छी बात इसको लगाने के बाद स्किन डार्क नहीं होती है। बाकी के कोई आप हेयर रिमूवल क्रीम लगाओ के एक बार ट्राई करना, स्किन डार्क हो जाती है। और ये स्पेशली डिजाइंड है, फॉर्मुलेटेड है इंटीमेट बॉडी पार्ट्स के ऊपर जो आपकी हेयर होते हैं उसको रिमूव करने के लिए। लगाने का तरीका बहुत आसान है, आपके जो भी इंटीमेट एरिया होते हैं जैसे कि आपके बगलों के बाल हो गए या बिकनी एरिया जो आपके हेयर होते हैं, अनवांटेड बम के भी जो हेयर होते हैं, वहां पे आप इसको लगा लो,
ठीक है, अंदर नहीं घुसाना है, बाहर वाले वल्वा वाले एरिया पे लगाना है, इंटरनल बॉडी पार्ट्स के लिए नहीं होता है ये। तो वहां लगा लो, 5 मिनट इसको लगा हुआ रहने दो, एंड देन इसके साथ जो स्पैचुला आता है आप उससे इसको रिमूव कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी कॉटन के कपड़े से भी ऐसे इसको रिमूव कर दीजिए। 5 मिनट में इजिली रिमूव हो जाता है, बिना बदबू, स्किन डार्कनिंग, हार्श केमिकल्स और कट्स के बिना ये सब कुछ हो जाता है। आसान तरीका है। तो अगर आप मेरी तरह ये यूज करना चाहते हो तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, यू कैन ट्राई। याद रहे मैं हमेशा बोलती हूँ हार्श केमिकल वाले हेयर रिमूवल क्रीम यूज ना करें, तो मेरी कई वीडियोस में मैंने आपको बोला है, लेकिन ये स्पेशली डिजाइंड है इंटीमेट एरिया के लिए, सो ये मैं यूज कर रही हूँ और मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप स्टिल पैच टेस्ट जरूर करें देखने के लिए कि आपको सूट कर रहा है या नहीं। प्रेगनेंसी में मुझे थ्रू आउट द प्रेगनेंसी बहुत भूख लगती है, सो सबसे पहले मैं कोई सा भी लाइट ब्रेकफास्ट ले लेती हूँ मैं, जैसे कि पोहा अच्छा लगता है नींबू डाल करके और भुनी हुई मूंगफली डाल करके, कभी कभी आलू डाल करके, सो पोहा खाना मुझे पसंद है। देन इडली, डोसा, कभी कभी आलू के पराठे, कभी गोभी के पराठे, तो ये सब ब्रेकफास्ट में मेरा जनरली होता है। 1 से 2 चपाती खाती हूँ मैं, एकदम लाइट ब्रेकफास्ट चाय के साथ लेती हूँ। तो सुबह की चाय और ब्रेकफास्ट के बाद थोड़ा सा ही चाय लेती हूँ, मैं चाय के बिना नहीं रह सकती हूँ। पहले मुझे चाय की आदत नहीं थी लेकिन अब पड़ गई है तो बस पड़ी गई है, थोड़ा सा लेती हूँ। एंड ब्रेकफास्ट के बाद घर के अंदर ही मैं वॉक कर लेती हूँ। भाई इतनी गर्मी हो रही है, मेरे से हिम्मत नहीं होती सुबह जाओ नीचे सोसाइटी के और वॉक करो, तो सुबह तो घर में ही वॉक कर लेती हूँ। यहाँ बेडरूम से वॉक करना स्टार्ट करती हूँ, एकदम एंड तक वॉक करती हूँ, फिर आती हूँ, और ऐसे मैं आधा घंटा डेली वॉक करती हूँ मॉर्निंग में। और इस बीच प्रिंस मेरी हेल्प करते हैं कुछ स्क्वाटिंग की एक्सरसाइज वगैरह कराने में, सो वो आप मेरे ब्लॉग चैनल पे देख सकते हो, बहुत जल्दी वहां पर भी हम रूटीन वीडियो लेके आएंगे तो डिटेल में आपको देखने को मिलेगा। वॉक करने के बाद थोड़ा सा मैं रेस्ट करती हूँ। प्रेगनेंसी में बहुत जरूरी होता है आप पोछा लगाओ, आप स्क्वाट करो, डक वॉक करो, स्टेयर्स पे चलो, ताकि नॉर्मल डिलीवरी हो। तो जब कभी भी मुझे टाइम मिलता है मैं ये एक्टिविटीज कर लेती हूँ, जैसे कि पोछा लगाना हो या झाड़ू लगाना हो या प्रिंस की हेल्प से कुछ एक्सरसाइज करना हो, ताकि नॉर्मल डिलीवरी के आसार बने रहे। बाकी तो ये इस हफ्ते के एंड तक पता चलेगा कि नॉर्मल डिलीवरी होगी या सी सेक्शन होगा, जो भी होगा। नहाने के बाद सबसे पहले मैं पूजा करती हूँ और बस गॉड को थैंक यू बोलती हूँ, जो है जितना है उसके लिए थैंक यू, कभी गलती हो तो उसके लिए माफी, एंड दुनिया में शांति और खुशहाली बनी रहे। ये 3 चीजें जो मैं और प्रिंस हमेशा अपने प्रेयर्स में याद रखते हैं और गॉड से यही प्रेयर करते हैं। एंड देन बारी आती है रेडी होने की, मैं फटाफट से, अगर जिस दिन मुझे बी नेचुरल का शूट करना होता है मैं रेडी होती हूँ शूट के लिए, और जब शूट नहीं करना होता है तो मैं बहुत सारा क्वालिटी टाइम स्पेंड करती हूँ प्रिंस के साथ, या फिर बेबी से रिलेटेड चीजें सर्च करती हूँ और तैयारी करते हैं बेबी के आने की। बहुत सारी तैयारियां 9 महीने से चल रही है, वो बेबी के आने की तैयारी खत्म ही नहीं हो रही है। सो शूट के लिए रेडी हुई, शूट किया, एंड देन उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, बीच बीच में थोड़ा बहुत रेस्ट करती रहती हूँ और वॉक करती रहती हूँ जब भी टाइम मिलता है। और हाँ, इसी बीच जब भी मुझे प्यास लगती है मैं कोशिश करती हूँ पानी की जगह जूस वगैरह पी लूँ, तो दिन में 1 बार जूस तो मैं जरूर पीती हूँ, और मोस्टली मैं अनार का जूस मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, तो अनार का जूस पी लेती हूँ, या कभी कभी नारियल का जूस, पर आजकल नारियल के जूस से पता नहीं क्यों वॉमिटिंग आ रही है, अदरवाइज अनार का तो पीती ही हूँ मैं 1 ग्लास डेली फॉर श्योर। और बीच में अगेन थोड़ी बहुत छुटपुट भूख लग जाती है तो मैं दूध लेती हूँ, और दूध के साथ 2 रस्क ले लेती हूँ, एंड देन बाद में उसमें जो प्रोटीन स्पेशली डॉक्टर ने बोला है प्रोटीन मिक्स करके पीने के लिए, ताकि ग्रोथ सही बनी रहे बेबी की, तो प्रोटीन पाउडर दूध में मिला करके मैं पी लेती डेली दोपहर को लंच से पहले, और उसके 1-2 घंटे बाद मैं लंच करती हूँ। सो लंच में मेरे रहता है मोस्टली राइस, मुझे दोपहर को राइस खाना पसंद है, राइस, दाल, चटनी, सैलेड, कोई अलग सब्जी और बटर मिल्क के बिना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता लंच, तो और अचार भी, बहुत सारी चीजें होती है। प्रेगनेंसी में आपको खाने पीने का बहुत ध्यान देना होता है, क्योंकि आप जो भी खाओगे सारा पोषण बच्चे को मिलता है, उसकी ग्रोथ को मिलता है, उसका डेवलपमेंट अच्छा होता है, सो पूरा बैलेंस डाइट लेना होता है, और हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ तो मेरे पेट में जाता ही जाता है। एंड अगेन लंच करने के बाद मैं फिर से 10-15 मिनट घर के अंदर ही वॉक कर लेती हूँ, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता रहता है। उसके बाद मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मेरे पास, मैं बहुत ज्यादा बिजी ना हूँ किसी चीज में, तो दोपहर को 1 घंटा जरूर नींद ले लूं, क्योंकि बोलते हैं कि दोपहर को 1 घंटा सोना जरूरी है, स्पेशली फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, तो वो थोड़ा सा रेस्ट ले लूं। सो के उठने के बाद फटाफट से मैं ड्राई फ्रूट्स ले लेती हूँ। ड्राई फ्रूट्स में मैं बादाम और अखरोट को, मतलब भिगो करके लेना होता है, 1 रात पहले भिगो दो और नेक्स्ट डे आप उसको छिलके उतार करके खा लो, बादाम के छिलके उतार करके, सो वो जरूर लेती हूँ मैं। और शाम होते होते मैं रिसर्च करने बैठ जाती हूँ कि अभी कौन सी वीडियो गई है, अगली कौन सी वीडियो जाएगी, बी नेचुरल की प्रिपरेशन करती हूँ। मुझे बी नेचुरल में बहुत ज्यादा टाइम, एफर्ट, एनर्जी, रिसर्च करना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है उसकी वीडियोज के लिए, सो उसमें मैं अपना पूरा टाइम इन्वेस्ट करती हूँ।
टॉपिक एक बार शॉर्टलिस्ट हो जाता है तो उसके बाद बैठ करके मैं अपनी एडिटिंग देख लेती हूँ कि वीडियो सही से एडिट हुई है, कौन सा जाना है, उसमें कुछ मुझे कुछ चेंजेस करने हैं, सो वो वाला सारा काम मैं उसके बाद देख लेती हूँ। उसके बाद बारी आती है शाम के चाय की। शाम के चाय में थोड़ी सी चाय, बिस्किट, और उसके साथ मैं कभी कभी अगेन या तो पोहा या उपमा या कोई चपाती या ब्रेड टोस्ट वगैरह, अलग अलग चीजें होती हैं, सो वो मेरे चाय के साथ रहता है। शाम को मैं चाय पी लेती हूँ एंड उसके बाद प्रिंस के साथ नीचे वॉक करने के लिए जाने की कोशिश करती हूँ। डेली नहीं जा पाती बट कोशिश रहती है वॉक पे जाओ। सो वहाँ हम बहुत हंसी मजाक फन करते हैं, बहुत मजा आता है। सो वॉक बहुत जरूरी है और बाहर वॉक करना चाहिए, लेकिन बहुत गर्मी है, कोरोना टाइम है, मैं ज्यादा बाहर जाना अवॉइड करती हूँ। जब बहुत जरूरत होती है तब हम लोग जाते हैं, बाकी हाँ नीचे सोसाइटी के एरिया में जो गार्डन है वहाँ हम लोग वॉक कर लेते हैं। सो काफी अच्छा लगता है क्वालिटी टाइम स्पेंड करना विद योर हस्बैंड, अगर वो टाइम दे पा रहे हैं तो। वॉक के साथ साथ एक्सरसाइज भी चल रही होती है मेरी। सबसे बेस्ट टाइम शाम का होता है क्योंकि उसी टाइम में प्रिंस के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने को मिलता है और बहुत मजा आता है, एक दूसरे का मजाक उड़ाना, हरकतें करना, मतलब फनी फनी चीजें होती रहती हैं, वो आप हमारे ब्लॉग में देख सकते हो, मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस इज माय ब्लॉग। तो इस बीच इतना सब कुछ करते करते फिर से भूख लगती है तो कुछ फ्रूट्स वगैरह खा लेती हूँ। स्पेशली मुझे केला खाना पसंद है, बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रेगनेंसी पे केला मत खाओ, पर मैंने डॉक्टर से पूछा, उन्होंने बोला खाओ जो खाना है वो खाओ, तो मैं खा लेती हूँ, एक केला तो दिन में खा ही लेती हूँ। ये सब काम करते करते रात हो जाती है और रात में मेरा डिनर होता है बहुत कम, सिर्फ दो रोटी घी लगा करके और एक सब्जी और एक दाल होती है और दाल के अंदर थोड़ा नींबू होता है, सो ये मेरा डिनर होता है। और डिनर करने के थोड़ी देर बाद मैं दूध पी लेती हूँ, दूध के बिना मुझे मजा नहीं आता है, मिल्क इज कम्प्लीट फूड, तो वो तो मैं लेती ही लेती हूँ। देन टीवी देखते हैं, मूवीज देखते हैं, या कभी वेब सीरीज देख लिया या अपनी ही वीडियोस देख ली, या अगला व्लॉग क्या जाएगा उसके बारे में डिस्कस कर लिया, एडिटिंग कर ली, और भी बहुत कुछ करते ही रहते हैं, पर जो इम्पोर्टेंट चीजें लगी मैंने सोचा आपके साथ मैं शेयर कर देती हूँ। सो ये था मेरा 9 मंथ का प्रेगनेंसी रूटीन। इस बीच ये भी होता है कि सारे दिन मैं ऐसे ऐसे भी करती रहती हूँ, छूती रहती हूँ बेबी को, किक्स को फील करती रहती हूँ, बेबी के बारे में हम सोचते रहते हैं, फ्यूचर डिस्कस करते रहते हैं बेबी के साथ, कैसे ध्यान रखेंगे, कितना मुश्किल होगा, कैसे हैंडल करेंगे। सो हाँ, डर है, नर्वसनेस है एंड बहुत सारा एक्साइटमेंट है हमारी लाइफ में। कितनी अनोखी और कितनी विचित्र बात है यार, एक इंसान के अंदर एक और इंसान, एक और आत्मा पैदा हो जाती है, और मतलब एक बेबी को बर्थ करना कितनी ही अनोखी बात है, मतलब जितना सोचो उतना कम ही लगता है। सो आई एम रियली एक्साइटेड, पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि आई नीड योर ब्लेसिंग्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, ब्लॉग चैनल देखो मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस, और अगर आप मुझे कुछ टिप देना चाहते हो तो आप यू आर मोस्ट वेलकम, आप दे सकते हो। वैसे मेरा 9 मंथ भी ऑलमोस्ट खत्म है एंड हंसते खेलते 9 महीने पार हो गए, अब जिसका इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आ गई है। सो गाइस थैंक्स अगेन, आई विल कैच यू, टिल देन बाय गाइस।